आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना YouTube चैनल वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है आपके YouTube चैनल। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पर चले जाना होगा। क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद आपको आपका YouTube चैनल को ओपन कर लेना होगा। YouTube पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपका जो भी जीमेल है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो मेरा जो भी जीमेल है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल सा देखिए, यहाँ पे आपको क्लिक करना जो कि एरो का निशान है इधर पर। आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखा देगा डेस्कटॉप साइड, इसको आपको यहाँ पर टिक मार्क कर देना है। और जैसे आप टिक मार्क कर देंगे ना तो आपका सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या क्या करना है सारा कुछ बता दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे चले आना है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो लोगो का ऑप्शन है इधर पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आपको इधर पे आपको करना क्या है, योर सेल वाला ऑप्शन पर आपको कर देना है क्लिक। और जैसे आप योर सेल वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ना तो आपका सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो हो जाता है। यहाँ पर आपको करना क्या है, कस्टमाइज चैनल जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको कर देना होगा क्लिक यहाँ पे। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ना तो आपका सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाता है, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या क्या प्रोसेस करना होगा, सिर्फ एक सेटिंग को आपको इनेबल करना है, जिसके बाद आपका चैनल वेरीफाई हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर आपको कर देना होगा क्लिक। कंटिन्यू पे क्लिक करके आपका एक नया चैनल होगा, तो ही आपके इस तरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे नीचे एक छोटा सा कॉर्नर पे एक सेटिंग वाला ऑप्शन शो हो रहा है, शायद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा ही होगा। मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि आपको एक सेटिंग वाला ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आपको कर देना होगा क्लिक। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, उसके बाद आपको यहाँ पे चैनल पे चले जाना होगा, जो कि यहाँ पे चैनल छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको चैनल पे चले जाना होगा। जैसे आप चैनल पे चले जाएंगे ना, उसके बाद आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे चले जाना होगा। आपको एडवांस सेटिंग पे जैसे आप चले जाएंगे तो एडवांस सेटिंग पे आपको करना नहीं होगा। एडवांस सेटिंग पे आपको उसके बाद आपको करना क्या, उसके बाद आपको फ्यूचर एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपको कर देना होगा क्लिक। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना तो आपका सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाता है। उसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद ये वाला पार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इधर से आपका यूट्यूब चैनल वेरीफाई होने वाला है। तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, ये जो इनेबल है इधर पर जो एरो का निशान है इधर पर आपको कर देना होगा क्लिक। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन का वेरीफाई फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको कर देना होगा क्लिक। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो आपको इसको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए आपका वेरीफाई होने वाला है। तो आप जो भी OTP आएगा वो टेक्स्ट फ़ोन नंबर पे, मतलब कि मैसेज पे लेना चाहते हैं, या आपकी कॉल करके आपको बोलेगा वाला लेना चाहते। तो आप मैं मैसेज पे लेना चाहता हूँ तो मैसेज पे यहाँ पे सिलेक्ट कर। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी कंट्री है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं आपका जो भी कंट्री है जो भी है, मेरा इंडिया है तो मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया को आपको सिलेक्ट करना, अगर आप इंडिया है तो यहाँ पे मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर डाल देना है, तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। और जैसे आप फ़ोन नंबर टाइप कर देंगे यहाँ पे, उसके बाद आपको करना क्या है, गेट कोड वाला ऑप्शन पर आपको कर देना होगा क्लिक। गेट कोड वाला ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपका सामने यहाँ पे OTP का ऑप्शन आएगा, या इधर पर आपको OTP यहाँ पे चलाएगा आपका। जैसे कि यहाँ पे मेरा OTP चला आया जो कि आपका सामने लाइव प्रूफ, तो मैं इस OTP को यहाँ पे डाल देता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने OTP को यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पर आपको कर देना होगा क्लिक। जैसे आप सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना तो आपका सामने कुछ यहाँ पे देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन फ़ोन नंबर वेरीफाइड, आपका कॉन्ग्रेचुलेशन आ चुका है, योर फ़ोन नंबर वॉज वेरीफाइड ऑन। अभी आप जो भी आपका चैनल वेरीफाई हो चुका है, अभी आपका कोई भी टेंशन नहीं है। तो आपका चैनल अभी वेरीफाई हो चुका है, एकदम सिंपल तरीके से, एकदम इजी मेथड आपको बताते हो। इसी तरह आप आपका यूट्यूब चैनल वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम यूट्यूब से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। सो बाय।